दोस्तों, मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल। उस बाइक का पार्ट टू आ चुका है जिस बाइक का पार्ट वन मैंने पहले डाला था, टीवीएस अपाचे आरटीआर। तो अभी फिलहाल मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो इस पार्ट टू के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और यहाँ पर वीडियो समाप्त हो जाएगी। कुछ ऐसे रोमांचक तथ्य के बारे में बताते हैं और मिलते हैं उन कस्टमर से, उन भाइयों से और उन गाड़ी से। उस गाड़ी के बारे में मैं कुछ बताता हूँ चीज़ें। वो गाड़ी हो गई है ओके, उसके इंजन की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इंजन एकदम परफेक्ट हो गया है और बॉडी की जो बात की जाए बॉडी भी एकदम परफेक्ट हो गई है। अभी फिलहाल मैं आपको बाइक दिखाता हूँ और बाइक का साउंड सुनाता हूँ, उसके बाद हम किसी मतलब इस बाइक से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो कस्टमर अपने भाई से कुछ करते हैं बातें और उनसे पूछते हैं कैसा उनका फील आ रहा है बाइक ओके होने के बाद, इतनी परेशानी झेलने के बाद बाइक एंड में जाके हो ही गई उनकी ओके। हाँ, तो भाई आप बताओ गाड़ी के अंदर आप पहले और हमें कितना मतलब फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं आपको सबसे पहले बाई लुकिंग बताना चाहता हूँ, बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू जैसा कर दिया, जैसे शोरूम से निकलती है। बाकी मैंने एक बार अभी टेस्ट ड्राइव लिया है इसकी, बिल्कुल मज़ा आ गया, एकदम लग रहा है कि अभी बिल्कुल नया मैंने अभी जो है परचेज़ किया है शोरूम से। और बाकी अभी मैंने एक ही राइड ली है, बाकी मैं आपको क्लियर फीडबैक तभी बता पाऊँगा जब 500 किलोमीटर मैं चला लूँगा, तो उसके बाद ही मैं आपको कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि जैसा मैंने आज इसका परफॉर्मेंस देखा है राइड करके, मैं चाहता हूँ कि हमेशा ही रहे तो ज़्यादा मेरे लिए और खुशी की बात होगी। तो भाई इन भाई ने कहा है कि इस गाड़ी की फीडबैक देने के बाद ही मैं बताऊंगा, गाड़ी को चलाने के बाद ही फीडबैक दे पाऊंगा कि भाई गाड़ी को कैसी चल रही है। तो अभी जो फिलहाल गाड़ी जो चल रही है इसकी जो कंडीशन एकदम गुड है, मस्त है, एकदम बढ़िया है, ठीक है। तो भाई अभी क्या करना है, अभी हमें सेटिस्फेक्शन तो मिल चुका है बट इसकी फीडबैक का वेट करना है, उसके लिए 500-600 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। अभी इनको मैंने फर्स्ट सर्विस के लिए 500 किलोमीटर के लिए बुलाया है, 500 किलोमीटर चला के इनको देखता हूँ। अभी मैं काम करता हूँ, वेट करना स्टार्ट करता हूँ और फटाफट से मिलते हैं 500 किलोमीटर के बाद और आपको दिखाते हैं फीडबैक ओके, ठीक है। अब 500 किलोमीटर की ये गाड़ी जो है 500 किलोमीटर का वेट कर रहे हैं, इस गाड़ी का 500 किलोमीटर चलाएंगे उसके बाद फीडबैक देंगे भाई। तो सबसे पहले मैं इसकी किलोमीटर चेक कर लेता हूँ कितने किलोमीटर चली हुई है गाड़ी है। अभी हमारी ये गाड़ी चली हुई है टोटल 24,000, ये 2,000 चली हुई है, मीटर नहीं डलवाया। अच्छा, मीटर नहीं डलवाया, आधे ही काम डलवा लिया भाई तुमने। तो भाई अभी गाड़ी चली हुई है 2,412 किलोमीटर जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। अब 2,412 किलोमीटर ये चल चुकी है नई मीटर के अकॉर्डिंग, वैसे तो ज़्यादा चली है पर अभी नई मीटर के अकॉर्डिंग 2,412 चलती है, यानी कि 500 किलोमीटर बाद हम मिलते हैं, यानी 2,912 किलोमीटर पे मिलते हैं, वही 2,900 मतलब एक तरह से 3,000 किलोमीटर पे इनसे मिलते हैं भाई से और उसके बाद फीडबैक का आपको बताते हैं ओके। स्टार्ट करियो गाड़ी जरा, रेस दियो
फाइनली ये जो बाइक है हमारी हो चुकी है अपाचे आरडीआर 180। तो भाई फाइनली हमारी गाड़ी हो चुकी है अपाचे आरडीआर 180, इसकी फर्स्ट सर्विस जो है कंप्लीट हो चुकी है। और अभी फर्स्ट सर्विस में आपको मैं कुछ कस्टमर से, भाई से हमारे बात कराऊंगा आपकी, ठीक है? तो आप बात करना उनसे, पूछूंगे हम पूछेंगे उनसे कि भाई इस गाड़ी में उनकी 500 किलोमीटर का जो दायरा था वो कैसा रहा, गाड़ी में कोई परेशानी तो नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं आई, इंजन की आवाज़ जो है वो कैसी है, इंजन बांध के जब दिया था, फिट करके जब दिया था तो कैसी आवाज़ थी, और अब इसमें कोई बदलाव तो नहीं आया, क्योंकि काफ़ी सारे भाई कमेंट करके बोलते हैं कि स्टार्टिंग में तो आवाज़ वैसी रहती है, उसके बाद जो है आवाज़ चेंज हो जाती है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मैं बात करा के दिखाऊंगा। बाकी मैं अभी इसकी चाबी दिखाता हूँ और कितने किलोमीटर पे आई है मेरे पास ये गाड़ी, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाइक है मेरे पास आई है 2880 किलोमीटर पे, ओके, यानी कि अप्रॉक्स 500 के जो किलोमीटर ये बाइक कंप्लीट चल चुकी है। इस गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ, साउंड सुनाने के लिए आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है और अब इसका साउंड सुनते हैं। रीजन है दिस, ये गाड़ी वॉश हुई थी अभी, भैया फाइनली आपने गाड़ी का साउंड सुन लिया है और गाड़ी की कंडीशन पे देख ली है। और अब अभी भैया हमारे पास हैं शेखर भैया, तो इनसे पूछते हैं इस गाड़ी को 500 किलोमीटर चलाने पर इनको क्या क्या परेशानी आई है, क्या बिल्कुल ठीक है या फिर थोड़ी बहुत परेशानी आई है, क्योंकि जब इंजन का काम करके देते हैं तो पहली सर्विस हम 500-600 किलोमीटर का बुलाते हैं कस्टमर को। तो भैया से मिलते हैं, भैया कैसे हो आप? भैया बताइए गाड़ी के अंदर आपने 500 किलोमीटर चलाई गाड़ी और आपको कैसा लगा गाड़ी 500 किलोमीटर चलने के बाद? मैं आपको बता देता हूँ गाइस, 500 किलोमीटर चलने के बाद मैं फर्स्ट टाइम जब लेके गया था इन्होंने डिलीवरी करी थी, उसके बाद 500 किलोमीटर जो मैंने चलाया मुझे बहुत अच्छा लगा, एयर वगैरह काफ़ी स्मूथ होती थी, जबकि मुझे इसका भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था क्योंकि मैंने 3 से 4 बार पहले भी इंजन का काम कराया था। तो ऑलमोस्ट 100 से 150 किलोमीटर चलने के बाद उसमें ऐसा लगता था कुछ काम ही नहीं हुआ इंजन का, लेकिन मैंने यहाँ पर जब भाई के पास मैंने काम कराया 500 किलोमीटर मैंने चलाया अप्रोक्सीमेटली, उससे मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सब कुछ होती था स्मूथ था, और छोटी मोटी चीज़ें जो होती है सर्विस के टाइम पे हम लोग यहाँ पर आके ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगी फर्स्ट सर्विस में। लेकिन मेरे हिसाब से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे जो भी मैकेनिक्स होते हैं जो इस चीज़ को अच्छे से वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनकी तरफ से एफर्ट लग रहा है तो कहीं ना कहीं कस्टमर का भी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी भी ये थी कि मैं उसको उसी तरीके से चलाऊँ ताकि इंजन की परफॉर्मेंस पूरी बेहतर रहे। तो भैया इंजन का आपने हमने काम किया और इंजन के साउंड को लेकर बड़ी परेशानी थी भैया को, तो अभी इंजन का काम करने के बाद इंजन का साउंड कैसा है पहले सर, मतलब बेटर है क्या है, थोड़ा बहुत आवाज़ है क्या है, मतलब बिल्कुल ठीक है या पैसे ही है? बिल्कुल, मैं पर्सनली एक चीज़ बता देता हूँ, मुझे ना आरटीआर 180 का जो साउंड है, एग्जॉस्ट सिस्टम है जो साउंड आता है उसका मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैंने जब भी काम करा मुझे वो मज़ा नहीं आया, लेकिन इनके पास काम कराने का मुझे बहुत अच्छा लगा और फर्स्ट सर्विस के बाद काफ़ी ज़्यादा और इम्प्रूव हो गया वो साउंड, तो ये बहुत मुझे काफ़ी अच्छे से अंदर से कुछ नहीं आई। क्या इनकी स्प्लेंडर प्रो सर्विस होने के लिए आई थी और अभी फिलहाल मैंने सोचा एक बार इनसे भी एक बार इंजन का साउंड सुना के चेक किया जाए और आपको बताया जाए कि फीडबैक इनकी तरफ से कैसी है। तो गाड़ी स्टार्ट करके साउंड सुनते भी है, तो भैया इनकी गाड़ी एक बार आप इसका साउंड सुनो कैसा है बताओ। मैं आपके कहूँ ये कहने को तो 2014 मॉडल है, पर अब इस गाड़ी का इंजन और इसका साउंड आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये 2020 मॉडल है, बस इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं अपनी स्प्लेंडर में इसलिए काम नहीं करा पा रहा क्योंकि कुछ और वजह है, पर ये गाड़ी एकदम बिल्कुल न्यू ब्रांड हो चुकी है, उसको रोड पे लेके जाओगे एकदम मक्खन की तरह। और भैया आपको क्या कहना है? हाँ जाओ हमारे भैया, आप क्या कहना है? जैसे कि आपने गाड़ी में स्टार्ट है, अभी गाड़ी स्टार्ट है भाई, तो इन भाई के पास भी गाड़ी है तो ये भी सर्च करना है, तो इससे इनसे पूछता हूँ सबसे गाड़ी का साउंड का साथ बैलेंस ठीक है। 500 किलोमीटर एक्चुअली मैं 500 किलोमीटर के बाद मैंने सर्विस का फीडबैक दिया है, पहले मैंने क्यों नहीं दिया मैं बता देता हूँ, पहले इसका सर्विस मैंने फीडबैक अभी नहीं दिया क्योंकि यार देखो ऐसा होता है जब कोई इंजन हम बांध के फिट करके दे रहे हैं तो उस टाइम पे एकदम परफेक्ट होता है, पर गाड़ी रोड पे चलने के बाद पता लगता है गाड़ी की कंडीशन कैसी है वो मैं कस्टमर ही बता पाता है। तो अभी 500 किलोमीटर का दायरा रखते हुए हमने सोचा कि 500 किलोमीटर के बाद हम इसका फीडबैक लेंगे,
तो अभी 500 किलोमीटर चल के कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने भाई से पूछा तो सब कुछ थोड़ा बढ़िया है, पॉजिटिविटी है। वीडियो कैसी है मुझे इस वीडियो का जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे ये बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।